किसान विरोधी बिल पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में हमीरपुर में आज कांग्रेस द्वारा हर ब्लॉक स्तर पर किसान विरोधी बिल को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल से छोटे किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होगा और अपनी अनाज बेचने के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने हाथरस में घटित गैंगरेप के विरोध में यूपी सरकार के खिलाफ भी जमकर गुबार निकाला है। हमीरपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र जार की अगुवाई में हमीरपुर शहर में रोष रैली निकाली गई, तो यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके जोरदार प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और ये बिल किसानों के बिल्कुल विरोध है। उन्होंने कहा कि बिल में कमी के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही यूपी में हाथरस में गैंगरेप की घटना की भी कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। और आज हमारा उद्देश्य ये रैली करने का ये है कि किसान कृषि जो विधेयक आए हैं, कानून जो अब कानून बन गया है, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। हम ये मानते हैं, हमारी दृष्टि से ये किसानों के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे बड़ा जो कमी इसमें कर दी है वो कर दिया है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसको कहते हैं वो बिल्कुल इसमें नहीं, इसका प्रोविज़न नहीं है। तो अब किसान पहले तो उस प्राइस पे जो गवर्नमेंट फिक्स करती थी मंडियों में बेच सकता था, नज़दीक जाकर बेच सकता था, उसके नज़दीक होती थी मंडियाँ। अब छोटे छोटे किसान जो 10 कनाल के 20 कनाल के जो किसान हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हुई है, वो कहाँ बेचेंगे। इस मोदी सरकार की हमेशा जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको मदद करने की नीयत रही है, और अब भी इस किसान बिल के मार्फत ये कॉरपोरेट हाउसेज को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ से बड़ा भारी किसानों के हितैषी बनते हैं और ये बिल पास करके उन्होंने अपने आप को कॉरपोरेट हाउसेज का हितैषी प्रूव कर दिया, तो ये बड़ी गलत बात है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और बच्चे गायब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत दिनों हमीरपुर में एक युवती का शव 6 महीने बाद नाले में बरामद होता है, इससे पता चल रहा है कि हमीरपुर में किस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कानून की हमीरपुर में सरेआम धज्जियां उड़ रही है जिसका कांग्रेस निंदा करती है। उस बेचारी बेटी का जो एक हरिजन तबके से आती है और जिसके साथ जो जाती हुई है, जिस ढंग से पुलिस ने भूमिका वहाँ अदा की है, जिस ढंग से सरकार ने अदा की है, वो बिल्कुल उस मुद्दे को छुपाने की कोशिश की गई है। तो हम चाहते हैं कि उस परिवार को, अब तो वो बेचारी जिंदा नहीं रही है, उस परिवार को इंसाफ मिले। और इंसाफ कौन दिला सकता है? सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति है वो, उससे कहा है हमने कि वो उस परिवार को इंसाफ दिलाए।